नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। कोरोना की दूसरी लहर खत्म होते ही स्वास्थ्य विभाग ने 81 आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला। पंचकुला में सेब मंडी में मार्केट फीस लिए जाने के चलते आढ़तियों में रोष। और इंस्पेक्टर बलदेव सिंह ने जीता अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग में कांस्य पदक, बढ़ाया शहर व देश कमान। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना शुरू होने के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों को अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में भर्ती किया था ताकि कोरोना के मरीजों का सही से इलाज किया जा सके। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर खत्म होते ही 81 आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, जिनमें नर्सिंग स्टाफ भी शामिल है। इन निकाले गए स्टाफ का ये कहना था कि उन्हें इमरजेंसी में भर्ती किया गया और अब जब सामान्य स्थिति हुई तो उन्हें निकाल दिया गया, जबकि उन्हें कहीं और एडजस्ट किया जा सकता था। इन लोगों का कहना है कि जब तक उन्हें वापस ड्यूटी पर नहीं लिया जाता तब तक वे प्रदर्शन करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर खत्म होते ही स्वास्थ्य विभाग ने 81 आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पूर्व निदेशक डॉक्टर अमनदीप कौर कंग ने इस आउटसोर्स कर्मचारियों को दूसरी लहर में बेहतरीन कार्य करने के एवज में अपने कार्यकाल के अंतिम दिन सर्विस टर्मिनेट करने के आदेश थमा दिए। नौकरी से निकाले गए 81 कर्मचारी आउटसोर्स पर थे। इनमें कई नर्सिंग ऑफिसर, वार्ड बॉय, टेक्निकल ऑपरेटर, सिक्योरिटी और सफाई कर्मचारी शामिल थे। इनमें अधिकतर आउटसोर्स कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में भी कोविड वार्ड में दिन रात ड्यूटी दी और आखिर में उन्हें विभाग से ये इनाम मिला। ऐसे में अब GMSH 16 से निकाले गए 81 आउटसोर्स कर्मचारियों ने बुधवार को अस्पताल के बाहर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि जब विभाग को 3 महीने बाद नौकरी से निकालना था तो उन्होंने कर्मचारियों की भर्ती क्यों की। ये जी हमारी जो यूटी प्रशासन है उसकी बहुत बड़ी अनगहली है कि हमें, हम 30 सितंबर तक हमें बताया था कि हमारा जो है ये कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमें 1 अक्टूबर को पता लगा, ऑन ड्यूटी पता लगा, 12:30 बजे पता लगा और हम सब ड्यूटी कर रहे थे। मॉर्निंग जो कईयों की मॉर्निंग थी, मैं मॉर्निंग पे थी, मुझे 12:30 पता लगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो गया, आपको टर्मिनेट कर दिया गया, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था, एकदम से शॉकिंग था। और सबसे ज़्यादा गुस्सा इस चीज़ पर आया कि 29 सितंबर को न्यू भर्तियाँ करी गई हैं, हमें निकाल दिया गया एक दिन बाद, और न्यू जो नियुक्ति हुई है वो क्यों हुई है? अगर शॉर्टेज थी तो हम जो स्टाफ थे, उन कोरोना वॉरियर्स, हमें एक टाइम पे इतना सम्मान दिया गया था, हमारे पर फूल बरसाए गए थे, फ्रंट लाइन पे हमने अपनी जानें पीछे रख के दूसरों की जान बचाई है, तब जब कोई घर वाले भी हाथ एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे तब हमने मरीजों को देखा है, तो हमें ये इनाम दिया सरकार ने। हम ये पूछना चाहते हैं कि हमें निकाल के नई नियुक्ति क्यों करी है, हमें कन्वर्ट क्यों नहीं कर दिया गया, या हमें एडजस्ट क्यों नहीं करा, नई नियुक्ति करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब स्टाफ शॉर्टेज था, अगर स्टाफ शॉर्टेज है तो हमें निकालने की क्या ज़रूरत है? फिर हमें कह रहे हैं आप, हमारे पास फंड्स नहीं है। तो हमें मेन सवाल यही है कि हमारी ये दुर्दशा क्यों करी गई है। लग रहे हैं क्योंकि हमें आज 6ठा दिन है, हम लगातार सड़कों पे हैं, 1 तारीख से लेके आज 6 तारीख हो गई है, हमें कुछ नहीं पता, हम इतने ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, बट क्या ये कब सुनेगी सरकार, कब जागेगी सरकार, कब जागेगी यूटी प्रशासन, कि जो हमारी जो मांगे हैं कब पूरी होंगी, हम इसके इंतज़ार में सड़कों पे खड़े हैं। जी बहुत मुश्किल है, घर वाले बोल रहे हैं, फिर पहले मेरी रोटी भी बंद कर दी थी घर वालों ने, मैं पहले लंगर खा के गुजारा करता था, तो डायरेक्टर साहब ने पिछले साल रखा था, पापा की जगह मैं लगा था अपने फादर साहब की, मेरे पिताजी रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे यहाँ पे, तो इन्होंने रखा, तो अब इन्होंने फिर निकाल दिया, ये पता नहीं ऐसे जुल्म क्यों कर रहे हैं। बाकी बंदों को भी, लोगों को भी निकाला, और वो ये काफ़ी गलत हो रहा है, 81% को निकाल दिया, उनके बच्चे को रोटी कौन देगा, ये लोग ऐसे कैसे जिएंगे, नौकरी नहीं मिल रही और ये बिना नोटिस के निकाला गया, इनको क्यों निकाला गया, ये क्यों निकाल रहे हैं, क्या इन्होंने काम नहीं किया, जब कोरोना था तो इनको बुला लिया, अब इन्होंने यहाँ गार्ड खड़े कर दिए पुलिस की, इनको हटाओ, तो आपने उस वक्त पुलिस को क्यों नहीं बुला लिया जब कोरोना था, तो कोरोना के टाइम भी पुलिस बुला लेते, वो इलाज कर सकते थे। नर्सिंग स्टाफ निकाला गया, MTS निकाले गए,
सफाई कर्मचारी निकाले गए और जो भी हॉस्पिटल स्टाफ कोरोना का था वो सारा इन्होंने अब निकाल दिया है। तो मत जी 81 निकाला है, उससे पहले 45% भी निकाले गए हैं, तो ये काफ़ी गलत हो रहा है। ये 16 हॉस्पिटल में से ही क्यों निकाले जा रहे हैं? हमारी थाली में से रोटी निकाल ली है और हमारी रोटी अब ये अफसर खा रहे हैं। अब अपने अपने लोगों को इन्होंने एडजस्ट कर देने हैं, इन ये जो है बैठ के अब सोच रहे हैं कि हमारे अपने लोग लग जाएं, तो ये ऐसे कर रहे हैं। ये सब हो रहा है, ठेकेदारों की मिली भगत है ही है, ये अपने स्टाफ के ही नहीं है। मेरे पिताजी यहाँ पक्के कर्मचारी थे, इन्होंने मुझे भी निकाल दिया है। ये ठेकेदार और इनका आपस में मैटर जो है वो है। एक्चुअली क्या है कि हम में से बहुत सारे स्टाफ अराउंड 81 हैं जो 1 तारीख को निकाल दिए गए हैं, और हम यहाँ पे अराउंड 2 साल से ज़्यादा, और ये ऑलमोस्ट 2 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। और हम उस टाइम अपॉइंट करे गए थे 16 में, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कोरोना वॉरियर्स की, कोविड पेशेंट्स के साथ काम करने की। उस टाइम पे डॉक्टर्स तक टेली मेडिकेशंस का कर रहे थे, मतलब ऑनलाइन पेशेंट्स को देख रहे थे, लेकिन वी आर द वन, लाइक हम वार्ड सर्वेंट, सफाई वाले, नर्सिंग ऑफिसर, ये सारे पेशेंट्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे थे। लेकिन अब 2 साल काम करवाने के बाद अब एकदम अचानक 1 तारीख को हमें बोल दिया गया है कि हमारे पास फ़ंड ख़त्म है, आप घर जा सकते हो। तो उस दिन हमारे पास 1 तारीख को बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि हमें एकदम हमारे हाथ में बोल दिया गया कि आपके अटेंडेंस नहीं लगानी है। और ऑलमोस्ट 1 बजे जब मैं मॉर्निंग ड्यूटी कर चुकी थी, ऑलमोस्ट काफ़ी स्टाफ कर चुका था, तो उस टाइम एकदम ये बात बोली गई और हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। गौरतलब है कि कोरोना के बाद कई विभागों से कर्मचारी निकाले जा रहे हैं, ऐसे में अब देखना ये होगा कि विभाग द्वारा निकाले गए कर्मचारियों को वापस काम पर रखा जाता है या फिर ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता अलका लांबा ने बुधवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के भविष्य को बेचने की सुपारी ले रखी है, यही वजह है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से रिश्वत लेके दुकानदारों का धंधा चौपट करने में लगे हुए हैं। अलका लांबा ने कहा कि देश की लाखों करोड़ की संपत्ति औने पौने दाम पर बेच डालने, दुकानदारों व छोटे व मझले उद्योगों का धंधा चौपट कर डालने और जो बच जाएगा उसे चंद निजी कंपनियों के हवाले करने की नीति पर भाजपा चल रही है, जो कि जनविरोधी है, जिसका खमियाजा आने वाले चुनावों में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। मैं उस हरियाणा राज्य में आज बात कर रही हूँ हरियाणा के लोगों के लिए, जो देश में बेरोजगारी में अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पर खड़ा है हरियाणा। सबसे ज्यादा अगर युवाओं को बेरोजगारी की मार पूरे देश में झेलनी पड़ रही है तो वो हरियाणा प्रदेश है, जहां पर डबल इंजन की दावा किया जाता है, डबल इंजन की सरकार है। और वहीं पर जब पता लगता है कि नशे की खेप पूरी की पूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य से चलती है, उनके पूंजीपति मित्र के पोर्ट से चलती है और कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो सबसे ज्यादा खतरा हरियाणा के युवाओं पर मंडराता है। वायदा तो युवाओं के हाथ में रोजगार रखने का था, लेकिन हथेली पर चिट्टा और नशा रखा जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस ने अमेरिका की ई कॉमर्स कंपनी के अधिकारियों ने खुद कहा है कि उन्होंने भारत में 8,546 करोड़, कितना, 8,546 करोड़ भारत में दिया है, अपनी 6 कंपनियों के माध्यम से दिया है। ये तो वो कह रहा है, हम ये पूछ रहे हैं ये पैसा जो दिया है वो दिया किसको है, किस काम के लिए दिया है, किस किस को दिया, ये देश जानना चाहता है। हमारे देश का जो कानून मंत्रालय है, कानून और न्याय मंत्रालय, उसकी सालाना बजट कितना है, 1100 करोड़। भारत सरकार के कानून मंत्रालय का सालाना बजट 1100 करोड़, और वहीं पर अमेरिकन ई वाणिज्य कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी कहती है कि हमने 2 सालों में, मात्र 2 सालों में 8,546 करोड़ दे दिया है। लगता है कि भारत सरकार के मंत्रालयों को अमेरिका की ई कंपनी चला रही है, क्योंकि हमारे बजट से, भारत सरकार के मंत्रालयों के बजट से ज्यादा तो मात्र 2 साल में उन्होंने ही खर्च कर दिया। ये सवाल अति गंभीर है। गंभीर कैसे है,
आपको लगेगा ये अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला कैसे हो सकता है, जब देश में करोड़ों लाखों रुपए की नशे की खेप आ रही हो, अफगानिस्तान पाकिस्तान से आ रही हो, क्या ये देश की सुरक्षा को खतरा नहीं है? जब देश में इस तरह से अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से सारे बाजार को बर्बाद कर दिया जाए, एमएसएमईज को बर्बाद कर दिया जाए, छोटे कुटीर लघु उद्योगों को बर्बाद कर दिया जाए, सिर्फ एक विदेशी कंपनी को यहां पर पलने फूलने के लिए उसके लिए नियम और नीतियां बदली जा रही हैं, तो ये जो पैसा आ रहा है, ये जो नशा आ रहा है, इससे पहले हम लोगों ने इजरायली कंपनी पेगासस की जासूसी का खुलासा किया, मुझे नहीं मालूम है कि मीडिया को यह महसूस क्यों नहीं होता कि हाँ ये देश की सुरक्षा के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। आज प्रियंका गांधी जी आपके यहां से राज्यसभा सांसद मात्र दो लोग, दीपेंद्र हुड्डा जी क्या करने जा रहे थे वहां पर लखीमपुर खीरी में, किसानों को कुचला गया, वीडियो सबके सामने है, कुचला गया है, उन्हें मारा गया, उनकी हत्या की गई है, और वो कोई और नहीं देश का गृह राज्य मंत्री और उसका बेटा शामिल है, और वो देश का गृह मंत्री आज दिल्ली के सत्ता के गलियारों में घूम रहा है और उसका बेटा घूम रहा है, और वहीं पर गिरफ्तार कौन है? आज तीसरा दिन है, जस्टिस फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मदन लॉकवुड जी ने भी आज कहा है कि बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से प्रियंका गांधी जी को रखा गया है, ऐसा नहीं रख सकते हैं आप, 24 घंटे से ज्यादा आप नहीं रख सकते, और आज तीसरा दिन है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आप कहते हैं कौन है लोकतंत्र पे हत्या हो रही है, कुछ नहीं, आजादी का जश्न 75वां मनाया जा रहा है, सब आजाद है, लेकिन फिर ये क्या है, ये क्या है कि छत्तीसगढ़ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठा निहत्था अकेला अगर लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरता है तो उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं दी जाती है। इस बार मंडी में हिमाचल प्रदेश सेब भारी मात्रा में पहुंच रहा है, पंचकुला सेक्टर 20 में बनाई गई सेब मंडी में भी भारी मात्रा में सेब पहुंच रहा है, लेकिन इस बार आढ़तियों पर मार्केट फीस का बोझ डाल दिया गया। हालांकि प्रशासन ने कमेटी को कहा था कि जब तक वह अच्छी तरह से यहां स्थापित नहीं हो जाते तब तक उनसे मार्केट फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन दो साल बाद ही प्रशासन ने मार्केट फीस की डिमांड करनी शुरू कर दी है, जिसके बाद आढ़तियों में खासा रोष व्याप्त है। ये सेब महंगा होगा, हर आदमी पर इसका फर्क पड़ रहा है, और खासकर हमारे साथ व्यापारी के साथ तो बहुत बड़ी वादा खिलाफी हुई है। हम अपना घर छोड़ के यहाँ आए थे, हमारे साथ ये कमिटमेंट हुई थी कि आपसे 10 साल तक कोई फीस नहीं ली जाएगी। जैसे हम चंडीगढ़ छोड़ के यहाँ आए, हमने वीरान मंडी को जो है यहाँ कामयाब बनाया, इन्होंने देखा भी कामयाब हो गया 2-3 साल, अब व्यापारी कहाँ जाएगा, और इन्होंने फीस शुरू कर दी। फीस के बाद एक और HRDF शुरू कर दिया, इस बार तो धक्के से ले लिया। हम व्यापारी आदमी है, हम नहीं चाहते भी किसी तरह का टकराव, हम तो व्यापार करना है, इस बार तो ले ली, अगली साल कहाँ से लेंगे? हमारे पास बहुत ऑप्शन है, हम चंडीगढ़ में काम कर सकते हैं, हिमाचल में काम कर सकते हैं, मंडी से बाहर जो नई पॉलिसी आई है भी मंडी से बाहर आप जहाँ मर्जी काम कर लो। अगर हमने यहाँ किराए भी देने 2.5-3 लाख रुपए, और जो हमारे को ऑफिस दिए उसमें टॉयलेट तक नहीं है, एक बार आगे कोई ऑफिसर जाके देखे, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर वो दोबारा वहाँ आ जाए। ऐसा है, ये मार्केट फीस लगने से मेरे को लगता है कि ये जो मंडी है अगले साल तक ख़त्म हो जाएगी, लोगों का वापसी रुख चंडीगढ़ हो जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे गवर्नमेंट की जो है रेंट पे दी हुई, लीज पे दी हुई ये प्रॉपर्टी है, और मार्केट फीस जो है वो एक भ्रष्टाचार का अड्डा है। मार्केट फीस मार्केट कमेटी और बोर्ड के बीच में जाके ख़त्म हो जाती है, लेकिन आला अधिकारी हरियाणा सरकार को एक रेवेन्यू का नाम बता के इस फीस को ख़त्म नहीं होने दे रहे, और इंस्पेक्टरी राज चलाना चाहते हैं, जबकि मैं हरियाणा सरकार को क्लियर कर दूँ कि ये रेवेन्यू नहीं है, ये एक मंडी समिति है, ये पैसा जो है मंडी समिति का जो इकट्ठा होता है ये मंडी पे लगाने के लिए होता है, ये डायरेक्ट जो है हरियाणा सरकार या भारत सरकार के पास ये रेवेन्यू जाता ही नहीं है, और बोर्ड में जाते जाते ये पैसा टोटल ख़त्म हो जाता है।
देखिए ऐसा है कि हमने पिछले कई साल से जब ये मंडी यहाँ पंचकुला में आई है तो हम फार्मर्स को लगा कि बहुत अच्छी जो यहाँ हमें सहूलियतें मिलेगी, लेकिन जो सहूलियतें हमने सोचा था वो नहीं मिल पाई है। खासकर जब 26 में भी मंडी चलती थी चंडीगढ़ में, वहाँ तंग था, तो हमने सोचा यहाँ अच्छी सहूलियतें होगी। और यहाँ पर जब हमारे ये आढ़ती भाई लोग यहाँ पर आए तो मार्केट बोर्ड हरियाणा ने कहा कि भी 10 साल तक हम जो है यहाँ पर मार्केट फीस नहीं लेंगे आपसे, लेकिन पिछले एक दो साल से जो है इनसे 2% मार्केट फीस ली जा रही है, जिसका अल्टीमेटली हम फार्मर के ही ऊपर बोझ पड़ रहा है। क्योंकि पहले ही जो अब ये अपनी जेब से तो कहीं पे नहीं करेंगे, हम लोगों के ही ऊपर जो है इसका नुकसान होता है। हमारा मार्केट बोर्ड से आग्रह है कि जो पिंजौर में यहाँ मंडी बन रही है, हिमाचल का फार्मर तब आएगा जब हमारे ऊपर कम से कम बोझ पड़ेगा और हमारे लिए सहूलियतें ज़्यादा होगी। देखिए यहाँ ना बैठने की अच्छी व्यवस्था है, ना शौचालयों की अच्छी व्यवस्था है, लाखों करोड़ों रुपए जो है मार्केट फीस जा रही है। हमारा कहना ये है कि भाई इनसे कम से कम बोझ जो है आढ़तियों के ऊपर डाला जाए, अगर इनके ऊपर बोझ कम होगा तो हमारे ऊपर भी वो बोझ कम होगा। 12वीं WBPF वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में चंडीगढ़ के इंस्पेक्टर बलदेव कुमार ने कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। न केवल चंडीगढ़ पुलिस और चंडीगढ़ का नाम रोशन किया है बल्कि देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। यह चैंपियनशिप कजाकिस्तान के राजधानी ताशकंद में संपन्न हुई। आपको बता दें कि इससे पहले बलदेव सिंह दो अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी पदक जीत चुके हैं। बारहवीं WBPF वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021 में चंडीगढ़ के इंस्पेक्टर बलदेव कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर चंडीगढ़ पुलिस के साथ साथ देश का नाम रोशन किया है। बलदेव कुमार ने ये मेडल उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जीता है। चंडीगढ़ पुलिस की ट्रैफिक विंग में तैनात इंस्पेक्टर बलदेव कुमार इससे पहले भी इंटरनेशनल स्तर पर दो मेडल जीत चुके हैं। उन्होंने साउथ कोरिया में आयोजित 11वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल और इंडोनेशिया में आयोजित 53वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। बलदेव ने इस प्रतियोगिता में 80 से 90 किलो भार वर्ग में हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के रहने वाले बलदेव ने साल 1995 में चंडीगढ़ पुलिस ज्वाइन की थी, भी उनकी उम्र 53 साल है। इस मेडल के लिए चंडीगढ़ DGP प्रवीर रंजन और SSP कुलदीप सिंह चहल ने बलदेव कुमार को बधाई दी है। बलदेव कुमार हमेशा अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, इसके अलावा ठंडे पानी और आइसक्रीम आदि से परहेज करते हैं। उनकी डाइट में प्रोटीन, चिकन, हरी सब्जियां, दूध, दही ही रहता है। आपको बता दें कि बलदेव कुमार पहले बॉक्सिंग में भाग लेते थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने जिम करना शुरू कर दिया। इसके बाद किक बॉक्सिंग को छोड़कर बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी। रोजाना करीब 2 घंटे जिम में पसीना बहाते हैं। बलदेव कुमार को शुरू से खेलों में लगाव रहा है। कॉलेज टाइम में लगातार 3 साल तक सर्वश्रेष्ठ एथलीट का खिताब जीत चुके हैं। साथ ही ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में भी चंडीगढ़ पुलिस का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पंजाब के सीटीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 65% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि बादल साफ रहेंगे, धूप खिली रहेगी, लेकिन रात के तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास होने वाली हर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आप बने रहें पंजाब के सीटीवी के साथ। फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।